कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद 13% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण बास्केट के तहत उत्पादों का निर्यात अप्रैल नवंबर 2021-22 में बढ़कर 13,261 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि अप्रैल नवंबर 2020-21 में यह 11,671 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही था। अपीडा बास्केट उत्पादों के तहत निर्यात का लक्ष्य 2021-22 में 23,713 अमेरिकी मिलियन डॉलर निर्धारित किया गया है। केंद्र सरकार के मुताबिक अप्रैल नवंबर 2021-22 में कुल अपीडा बास्केट निर्यात में चावल की हिस्सेदारी 45% से अधिक थी। अप्रैल नवंबर 2021-22 के दौरान चावल का निर्यात 5,937 मिलियन अमेरिकी डॉलर शीर्ष विदेशी मुद्रा अर्जक था। इसने 2020-21 में इसी अवधि में 11% की वृद्धि के साथ 5,341 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को छुआ था। मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों का निर्यात अप्रैल नवंबर 2021-22 में 12% बढ़कर 2665 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि 2020-21 में की इसी 8 महीनों की अवधि में यह 2371 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल नवंबर 2021-22 के दौरान फलों और सब्जियों का निर्यात 12% बढ़कर 1720 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो अप्रैल नवंबर 2020-21 में 1536 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल नवंबर 2021-22 के दौरान प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट और विविध प्रसंस्कृत वस्तुओं का निर्यात 26% बढ़कर अप्रैल नवंबर 2020-21 में 1127 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 1418 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में काजू का निर्यात भी पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 29% बढ़कर 302 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। ज्यादातर कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन 2020-21 में इसी अवधि की तुलना में अप्रैल नवंबर 2021-22 में खाद्य तेलों का निर्यात 12% घटकर 626 मिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है। फल और सब्जियों का एक्सपोर्ट अप्रैल से नवंबर 2021-22 के बीच 1720 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। पिछले साल इस अवधि में यह सिर्फ 1536 मिलियन अमेरिकी डॉलर ही था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक कृषि और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट के निर्यात को बढ़ावा देकर सरकार किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास में जुटी हुई है। अपीडा के अध्यक्ष ने कहा है कि हम कृषि निर्यात नीति 2018 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों के सहयोग से क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात को बढ़ावा दे रहे हैं। अपीडा कृषि निर्यात नीति के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल आदि के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। अन्य राज्य इसे अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं। वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को कृषि निर्यात के संबंध में कहा कि इसमें बढ़ोतरी न सिर्फ देश में विदेशी मुद्रा लाएगा, बल्कि किसानों की आय भी दोगुनी होगी और रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। कृषि व प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने में भी सहयोग करेगा। उनका कहना है कि वाणिज्य मंत्रालय ने $400 का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी क्रम में वर्ष 2025-26 में $2 ट्रिलियन का निर्यात करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। सिर्फ कृषि निर्यात के लिए $43 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उनका कहना है कि अपीडा वे किसानों के सहयोग से लक्ष्य संभव होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।